जब से ये मॉडर्न डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया है, सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन कंसीडर किया जाता है पूरी दुनिया में। और पार्लियामेंट के हवाले से ये कहा जाता है कि अगर पार्लियामेंट ये फैसला कर ले कि इस वक्त दिन है या सुबह है और उसके ऊपर लेजिस्लेशन कर ले, तो फिर सबको मानना पड़ेगा। और फिर ये भी कहा जाता है कि जो पार्लियामेंट है ये मदर इंस्टीट्यूशन है, और फिर इसके जरिए बाकी तमाम इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अपनी स्ट्रेंथ पकड़ते हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनली पावर्स पकड़ते हैं। सो वी कैन से द पार्लियामेंट इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि स्कॉलर्स ने पार्लियामेंट के ऊपर बहुत कम ध्यान दिया और इस अहम इदारे को बहुत ही कम तवज्जो दी गई, और इसकी कहानी जो है वो हमने अपनी आवाम को, अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपनी ऑडियंस को नहीं सुनाई, जिसकी वजह से हमारे पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से भी और हमारी पार्लियामेंट के हवाले से भी बहुत सारे इबहाम जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों के जहनों में हैं। आपने ये सवाल पूछा कि पार्लियामेंट होती क्या है और इसका ओरिजिन क्या है, इसकी डेवलपमेंट क्या है, तो बतौर तारीख के तालिब इल्म मैं ये समझता हूँ कि अगर इसके तहजीबी इरतका की बात की जाए, तो जैसे जैसे इस कुर्रे अर्ज पर इंसान आया, उसकी जो इंसानी जरूरतें थी वो बढ़ी। आपको पता है कि फिर कबाइल बने, और कबाइल के बाद फिर कबाइल चीफ्स बने, और वो जो जिम्मेदारी लगाते थे एक नोमैडिक सोसाइटी में कि ये ग्रो जो है वो लकड़ियां ले आए, ये जो है ये आग ले आए, ये पानी ले आए, ये काम कर रहे। और इसके बाद फिर ये जो कबायली चीफ्स थे, इनके बाद फिर मनॉक्स का कॉन्सेप्ट आ गया। जो मनॉक्स थे उन्होंने अपने हाथ में एक तरह से डंडा पकड़ लिया और कहा कि जो मैं कहता हूँ वही ठीक है। और वो जो एक मशावरत का कॉन्सेप्ट था, या एक जो एक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की बात थी, वो कदरे मान पड़ गई। फिर आपको पता है कि वो मैग्ना कार्टा की कहानी, के जिस तरह इंसानी हकूक मांगे गए, फिर इनकलाब फ्रांस की बात, और फिर जो शहरीत का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर हम इस टर्म की बात करेंगे, ये जो वर्ड पार्लियामेंट है, ये कब शुरू हुआ, कहाँ से आया, इसकी क्या बैकग्राउंड है, तो वर्ड पार्लियामेंट जो है ये एक फ्रांसीसी वर्ड है जिसका ओरिजिन पार्लर है, जिसको हम कहते हैं टू टॉक, टू डिस्कस, टू डिबेट। तो 1236 में ये टर्म फर्स्ट टाइम, 1236 में ये टर्म फर्स्ट टाइम यूज की गई। और उस वक्त इसका मतलब था टू इवेंट, टू अरेंज एन इवेंट, एक तरह से ये ओकेजनली होता था। और जो इब्तदाई कुछ अरसा तो ये एक एक इवेंट के तौर पर, एक ओकेजन के तौर पर लिया जाता था, और इसका मतलब इंस्टीट्यूशन नहीं था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये फिर जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, इसमें जो मेनॉर की मर्जी थी उसके मुताबिक एक इवेंट अरेंज किया जाता था। लेकिन बाद में फिर जाहिर है कि इसके अंदर डेवलपमेंट होना शुरू हुई 1278 में, यानी कि एक ऑफिशियल रिकॉर्ड कीपिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, जिसको हम रोल्स ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। उसके बाद 1327 के करीब ये इसके अंदर कुछ अवामी नुमाइंदे भी शामिल किए गए, और पार्लियामेंट जो थी उसकी एक एक तरह से तीन जहतें बन गई। एक वो मेनॉर्क होता था, दूसरी तरफ लॉर्ड्स होते थे, और तीसरी तरफ कॉमनर्स को भी शामिल किया गया। तो ये तीनों मिलकर फिर एक तरह से एक ओकेजन अरेंज करते थे, या इवेंट अरेंज करते थे। फिर 1376 में इसके अंदर एक तरह से जो स्पीकर का कॉन्सेप्ट है वो इमर्ज हुआ, और वो जो कॉमनर्स थे उनका जो स्पोक्समैन होता था, जो मेनॉर्क के सामने जाकर उनकी बात करता था, उसको फिर स्पीकर का नाम दिया गया। और सर पीटर जो थे वो पहले स्पीकर एक तरह से समझ जाते हैं। फिर 15वीं और 16वीं सदी के अंदर इसके अंदर मजीद डेवलपमेंट्स आई और इसका इर्तका आगे बढ़ा। और 1530 में एक तरह से इसके अंदर जो गवर्नमेंट के, हुकूमत के मुख्तलिफ शोबे थे, वो डिबेट होना शुरू हो गए। दूसरा, मैं ये भी बता दूं कि अगर हम इस इदारे की बात करें, तो ये कॉन्सेप्ट इससे बहुत पहले का है, बहुत पुराना है। इंडस सिविलाइजेशन की बात करें, या जो दूसरी तहजीबें थी उनके अंदर एक तरह से पंचायत का कॉन्सेप्ट, तो उसको भी हम पार्लियामेंट का इदारा कह सकते हैं। अब आ जाते हैं हम हिंदुस्तान की तरफ, कॉलोनियल इदारे की तरफ, कि उसमें ये इदारा कैसे मर्ज हुआ। तो इसमें एक संगे मील, जो इम्पोर्टेंट संगे मील था, वो 1833 का चार्टर एक्ट था। इस एक्ट के तहत यहाँ पर एक तरह से बहुत लिमिटेड लेवल पर एक तरह से पार्लियामेंट के इदारे को मुतारफ करवाया गया। फिर 1861 का वो जो गवर्नर जनरल की काउंसिल का कॉन्सेप्ट है वो हमें पता है, जंग आजादी के बाद इन्होंने किस तरह यहाँ के लोकल्स को, उसमें सर सैयद का भी जिक्र आपको मिलेगा, फिर आगे चलकर बाकी इंडियंस का भी। 1892 में महदूद पैमाने पर इसमें एक तरह से लोकल्स को
इन्वॉल्व करके ये इदारा तश्कील दिया गया। फिर वो सारे एक्ट आ जाते हैं 1909 का, 1919 का, आगे जो रिफॉर्म्स आती हैं, वो जो आईनी कमीशन यहाँ पर आकर बात करते हैं, और फिर 1935 का। इस तरह ये इदारा अपने एक तारीखी इरतकाई अमल के जरिए हम तक पहुँचा। और फिर हमने चूंकि अंग्रेजों से एक तरह से ये सारे इदारे मुस्तार लिए, तो आज हमारे यहाँ भी वही वेस्टमिंस्टर कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट है। ये तो है जी उसकी तारीख।